अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ आज सूखा साग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अच्छा जी, मैं बना रही हूँ आज सूखा साग। ये है सूखा साग, मैंने इसको धो लिया है। इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, आप लोगों को तो पता होगा बस किस तरह इसको धोया जाता है, तो मैं ये दिखा नहीं सकी आपको। बस ये मैंने धो लिया है बिल्कुल। जब इसका पानी सफ़ेद हो जाए तो आप इसने आपने इसको समझो कि धुल गया। ये अब मुकम्मल ये धो लिया मैंने, तो अब इसके अंदर डालूँगी पानी। तकरीबन 2 गिलास पानी के डालूँगी। एक लीटर जितना पानी मैं डाल लेती हूँ, बस इसी के अंदर ये गल जाएगा। इसके अंदर डालूँगी लहसुन के जवे, लहसुन के जवे हैं ये। नमक डाल दूँगी, एक खाने का चम्मच। मैंने तो 1.5 डाला है, आपकी मर्ज़ी, आपके यहाँ किस तरह नमक है आपने चेक कर लेना है। डेढ़ खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो बस मैं इनको अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। 15 मिनट के बाद मैंने इसको, जैसे ये गल जाएगा तो इसके अंदर डालूँगी चने की दाल। मिलती हूँ 5-10 मिनट के बाद। तो बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मैं वेट चढ़ा दूँगी 15 मिनट के बाद। मैं इसे खोल के चेक करूँगी, जैसे ये घंटी चल जाएगी उसके बाद आपने 15 मिनट के बाद आप इसमें तैयार हो जाना तकरीबन। तो फिर मैं 15 मिनट बाद मिलती हूँ। अच्छा जी, मैंने सीटी इसकी कर दी है बंद, तो अब मैं इसे खोल रही हूँ। समझो ये गल चुका है। मैं अब इसके अंदर डालूँगी ये भीगी हुई दाल चने की। तो मैं इसका पानी रिमूव कर लेती हूँ, डालूँगी अब इसके अंदर चने की दाल। अच्छा जी, ये देखिए जी, मैं डालूँगी इसके अंदर घी। ये 2 चम्मच साबुन वाले, बस इसको करूँगी थोड़ा मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी भी है बड़ा। बस मैं इसको दोबारा इसको सीटी चढ़ा दूँगी। ये देखें, ये भी मैं डाल दूँगी हरी मिर्चा 3 से 4 अदद। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक डलता है और लाल मिर्च पाउडर। अच्छा जी, मैंने इसकी बंद कर दिया, बंद किया घंटी। अच्छा जी, मैंने किया घंटी इसकी बंद। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। दाल तो बिल्कुल गल चुकी है, बस इसके अंदर ज़रा थोड़ा पानी है, ये ज़रा खुश्क हो जाए 5 मिनट तक।
ये देखें जी, ये हो गया मुकम्मल। Oh, 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 oh